नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रयाग सोलर पावर में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एप्रो का 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 2 किलोवाट सोलर हमने इंस्टॉल किया है एक मुर्गी फार्म पे, जो कि वहाँ पे चलना है एक समरसिबल और 8-10 फैन। फिलहाल अभी उनके पास समरसिबल है और फैन अभी बाद में वो लगवाएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। मुर्गी फार्म है और यहाँ पे हमने 2 किलोवाट का सोलर और 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ हमने इंस्टॉल किया है। जैसे कि अब हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं एक बार, तो देखते हैं कि सोलर बैक कैमरे से व्यू कुछ इस टाइप दिख रहा है, जो हमने 6 मॉड्यूल्स लगाए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमने 6 सोलर मॉड्यूल लगाया है। अभी इस पर 3.5 किलो वाट का इन्वर्टर हमने डाल रखा है एप्रो का, और ये पतंजलि सोलर का है। अभी मैं आपको चल के पतंजलि ब्रांड भी दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, हमने GI स्ट्रक्चर भी यूज किया है, जो हमने सोलर माउंट किया है वो GI का है। और इसके बाद हम देखिए, पतंजलि का ब्रांड है, और इसमें हमने 6 मॉड्यूल 335 वाट का हमने इंस्टॉल किया है। अब चलते हैं नीचे की ओर। नीचे हमने इन्वर्टर को अनबॉक्स करके को सेटअप कर दिए हैं, और बैटरी को भी अनबॉक्स करके सेटअप कर दिए हैं। और अब जो सोलर से वायर आ रही है, उस वायर को हम इन्वर्टर में दिए हैं। ये हमारा इन्वर्टर 3700 VA का इन्वर्टर है, और 170 एम्पियर की हमने 4 बैटरीज लगाई हैं। 4 बैटरीज हमने लगाया, और ये ऊपर सोलर का वायर यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट इन्वर्टर में आ गया। हम इसको अभी समरसिबल हमारे पास है 1 HP का, उसको भी चला के दिखाएंगे, देखते हैं कितना परसेंट लोड लेता है। बहुत ही लोकल कंपनी का ये समरसिबल भाई साहब ने डलवाया है, फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से लोड के साथ ले रही है। उठक लिए दिन जात ना, कहाँ इंस्टॉल, यही तो टेंशन नहीं होता है। 3 किलो वाट इन्वर्टर के साथ में कोई टेंशन नहीं होता। अब चलते हम बाहर की ओर। ये देखिए, बाहर भी हमने, ये देखिए बाहर इसी टिन सेट पे पतरे के ऊपर हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। चेक करके भी दिखाएंगे, अपने क्लाइंब मीटर से भी चेक करके दिखाएंगे कि एक समरसिबल चलने पर कितना करंट एम्पियर में लेती है। ये भी दिखाएंगे भाई, अरे मुर्गी फार्म है, सामान जल्दी जल्दी बटोर कर रखा। अब लगभग काम समाप्ति की ओर है, अब चालू करके ये सब दिखाया जाएगा। चलता है फिर, जब तू ऑन कर रहे हो गया तो चलत हुई। ये देखिए, ये प्रो कंपनी का हमारा इन्वर्टर 47% का लोड है, जिसमें से आज ही अभी नया इंस्टॉल किए हैं। इसमें हमने 5 एम्पियर का करंट अभी आ रहा है उधर से। 5 एम्पियर करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी धूप ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल शाम हो चुका था इंस्टॉल करते करते। तो हम देख के बताते हैं, देखिए 50% का लोड है। अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पानी दे रहा है, वहाँ पे देखते हैं। अब हम चल रहे हैं, उनका समन्वय टेंशन रहा था। और अब इस मुर्गी फार्म के हम आगे चलते हैं, जहाँ से हमारे समरसिबल का कंट्रोलर रखा हुआ है, वहाँ पे हम चलते हैं। ये जो वायर है, इसी वायर, ये वायर जो दार, ये दो वायर, ये मुर्गी फार्म है पूरा, ये जो दो वायर जा रही है, इस वायर से ही हमारे समरसिबल के कंट्रोलर के पास जा रही है। उसके बाद वो समरसिबल में जाएगा, फिर वहाँ से पानी निकलेगा। अब मैं बाहर की ओर चलता हूँ, इनका समरसिबल फार्म के बाहर है। बंद कर दिया भैया, फिर से हम इसको चालू करके दिखाएंगे और क्लाइंब मीटर से ये चेक करके दिखाएंगे कितने एम्पियर के करंट ये ले रहा है। ये है हमारा कंट्रोलर। अब इसको हम क्लाइंब मीटर से चेक करके दिखाते हैं। अभी हमारा समरसिबल देखिए, अभी 0-0 आ रहा है, क्योंकि अभी समरसिबल चल नहीं रहा है। जैसे ही समरसिबल चलाएंगे तो एम्पियर उसमें फ्लैश होने लगेगा,
ये की है, की को ऑन करते हैं। अभी 10 एम्पीयर, अब देखिए 6.7 एम्पीयर करंट ले रहा है, जो कि अगर ओरिजिनल कंपनी का समर्सिबल होता, क्रॉम्पटन कंपनी का होता, तो 5.5 या 5.3 एम्पीयर करंट लेता। अब हम समर्सिबल तक चलते हैं। अरे तो क्या हुआ, देखिए भाई साहब इन्हीं के यहाँ हम लगाने आए हैं। भाई साहब आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब ये हम आपके जो मुर्गी फार्म में लगा रहे हैं सोलर, तो बताइए क्या ये चल रहा है कि नहीं अभी? नहीं अभी तो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में अभी अभी चल रहा है। पानी कैसे दे रहा है? अभी तो ठीक पानी दे रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुर्गी फार्म का है, इस पूरे मुर्गी फार्म पे लगाया जाना है। आवाज बाद में रिकॉर्ड करके मुर्गी फार्म से चलेगा पूरा पानी, और पानी का पूरा सिस्टम लगा है, फव्वारा का सिस्टम लगेगा, सब समरसेबल से ही चलेगा। और अब हम दिखाते हैं पानी, बस क्योंकि भाई साहब को था नहाना समरसेबल, तो भाई साहब नहा रहे हैं। भाई साहब होके ये लख रहे थे कि जब से पानी चले तो यहीं नहाएंगे, आज सुबह से चेक कर रहे थे, तो भाई साहब अब नहा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि समरसिबल चल रहा है और 50% 40% के लोड पे चल रहा है। एकदम शाम हो गई थी, बिल्कुल शाम हो गई थी, तब का ये बात कर रहा हूँ मैं। समरसिबल इसके अंदर डाला गया,